इंसानियत हुई शर्मसार। दहेज दानवों ने नई नवेली दुल्हन को पहली ही रात दी अमानवीय यातनाएं। प्राइवेट पार्ट में डाली गर्म रॉक, जमकर की पिटाई। मायके वालों को भी जमकर पीटा, पुलिस ने भी नहीं सुनी फरियाद। पीड़ित ने लगाई सीओ से न्याय की गुहार। यूपी के बंदायू में दिल दहला देने वाली ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनकर सभी की रूह कांप जाएगी। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली को देख लोगों का पुलिस पर से विश्वास ही उठ जाएगा। जी हाँ, दहेज दानवों ने दहेज की खातिर नई नवेली दुल्हन को पहली ही रात न सिर्फ उसकी जमकर पिटाई की, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की गर्म सरिया डालकर उसे यातनाएं दी। ससुराली जनों का आतंक यहीं खत्म नहीं हुआ। मायके वाले जब बेटी के घर पहुंचे तो उन पर भी हमला किया गया। थाना सहसवान के गांव मुडारी निवासी भूदेव ने अपनी पुत्री उर्मिला की शादी 21 जून 2021 को सुनील पुत्र पीताम्बर निवासी ग्राम उस्मानपुर थाना जरीफ नगर के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ की थी। उसने अपनी हैसियत के हिसाब से दान दहेज दिया था, लेकिन उसके पति एवं सास जेठ जेठानी चाचा सहित ससुराली जन दहेज से संतुष्ट नहीं थे और वे दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने से गुस्साए ससुरालियों ने उनकी बेटी को यातनाएं देते हुए उसके प्राइवेट पार्ट आदि पर गंभीर चोटें पहुंचाई, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई, जिसका उन्होंने निजी अस्पताल में इलाज कराया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उक्त घटना की जानकारी आज दोपहर पुलिस क्षेत्राधिकारी सहसवान को दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल महिला पुलिस को बुलाकर उसका बयान दर्ज करने को कहा। बकौल भूदेव, पीड़िता जब थाना जरीफ नगर पुलिस से न्याय की गुहार लगाने पहुंची, तो पुलिस ने उसकी व्यथा सुनने के बजाय उसे थाने से भगा दिया। बाद में वह सीओ सहजवान से मिली और उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही का आश्वासन दिया। बहरहाल पीड़ित परिवार अभी भी डरा हुआ सहमा हुआ है और उसने आला अफसरों को प्रेषित प्रार्थना पत्र में न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? बोरे मिला। अच्छा, बात बताओ, क्या प्रकरण है? हाँ, क्या बात हुई है, क्या घटना है? ये दहेज के पीछे जो कुछ किया था, और मतलब रोड भी की थी और बेलन और चिमटे से मुझे जलाया था उन्होंने। अच्छा। हाँ, मुझे मेरे मतलब सारे लोगों ने मिलकर पीटा था मुझे। अच्छा, कहाँ का मामला है ये? उस्मानपुर का। अच्छा, कौन सा थाना पड़ता है? जरीफ नगर। अच्छा, तुम गई थी थाने? गई थी जरीफ नगर? हाँ, गए हम सब लोग गए, कम से कम ये 30 लोग। हाँ। इनको लेके आए 30 लोग, खाट पर रखे लेके आए ऐसे ससुराल से। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई कुछ नहीं होगा। अच्छा। इनसे डॉक्टर को दवाई दिलवाओ, उन्होंने ऐसा तो चलता ही रहता है, कोई बात नहीं। मैंने कहा सर साठ टाके आए हैं तो ऐसे ही तो नहीं आएंगे। कहाँ पर आए हैं? साठ टाके गुप्त अंग में। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो चलता ही रहता है कि बदाई ले जाएगी तो 5000 रुपया देगी गाड़ी के, तुझे पता चल जाएगी, यहीं करवा ले इलाज, डॉक्टर से दवाई ले ले, ऐसा तो चलता ही रहता है। उन्होंने तेरी मेरी कुछ ना ली वहाँ पे। तेरी कहाँ है? तेरी हाँ, तेरी के हमारे पापा के पास। यह प्रकरण जरीफ नगर थाना क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें एक विवाहित महिला ने अपने ही ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज प्रताड़ना से संबंधित कतिपय गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में जरीफ नगर थाना पर FIR पंजीकृत कर ली गई है और मुख्य आरोपी पति की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। जो भी विवेचना के दौरान तथ्य आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।